दोस्तों आज के इस वीडियो में जो फंड होता है हम अपने पिक्सल लैब में कैसे ऐड करें वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हिंदी का जो सबसे अच्छा फंड है वो मैं आज आपको बताऊंगा कहां से और कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, सबसे अलग वीडियो आपको मिलेगा ऐसा जो है कि यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक शायरी लिखा हूँ, ठीक है, इसको देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, फंड आपको दिखा देता हूँ मैं अपना फंड। आपको मैं बता दूं कि आपको वही फंड चाहिए, हलंत बोल्ड, ठीक है ना, हलंत बोल्ड पर जब क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए हमारा कितना अच्छा फंड है। इससे जब अगर आप कोई भी जो है कि पिक्सल लैब से थंबनेल बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा और एक्टिव थंबनेल आपका दिखता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग इसी को यूज करते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पर सेंटर पर दिखा, देखिए ऐसे ये बहुत ही अच्छा फंड दिखता है। अगर आप ऐसे ही फंड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे ले चलता हूँ गूगल पे, या आपका मोबाइल में जो है कि गूगल हुआ यानी कि क्रोम, तो आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। ठीक है, जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल फंड, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा गूगल फंड, आपको अदर वेबसाइट पर नहीं जाना है, सर्च करना है गूगल फंड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको क्या करना है फिर यहाँ पे गूगल फंड वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब आपके सामने ऐसे ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि आप बोलते हैं ना भाषा, तो क्या भाषा चाहिए हमें, हिंदी में चाहिए, तो हमें थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, आपको दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड रिफ्रेश हो गया है, तो देवनागरी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देवनागरी, ठीक है, हम देवनागरी सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत अच्छे से जो है कि फॉन्ट दिख रहे होंगे, देख रहे हैं, ये हिंदी का सबसे माना जाना अच्छा फॉन्ट आपको मिलेगा। स्टाइलिश फॉन्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टाइलिश उतना अच्छा नहीं होता है, सभी बताते हैं यूट्यूब पर कि स्टाइलिश लगाओ, तो स्टाइलिश कोई नहीं देखना चाहता है, थोड़ा एक्टिव थंबनेल हो जैसे कि यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है। अगर आपको डाउनलोड करना है दोस्तों सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ छः, इसको अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करेंगे ना जब, तो छः तरीके से इसका फंड आएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सेंटर पर क्लिक किया, सेंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए 1 2 3 4 मतलब ये 6 तरीके का आ गया। ठीक है, ये 6 तरीका आ गया। अब इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम यहाँ पे, ये छोटा कर लेते हैं हम, आप चाहिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप में चले जाइए। जब आप डेस्कटॉप में चले जाएंगे बेटर होगा आपके लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 तरीके से आ गया, 1 2 3 4 5 6 तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड फैमिली यहाँ पर, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं डाउनलोड फैमिली पर तो आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि ओनली आपको ए वाला पसंद है फंड, चाहे ए वाला, तो आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं सेलेक्ट करके। ठीक है, फीस को हम बैक करते हैं। अगर आपको दूसरा फंड चाहिए तो यहां पे जो है कि 7 तरीके से है, 3 तरीके से है, ये 5 तरीके थी, 6 तरीके से, 5 तरीके से, ठीक है, ऐसे फंड पूरा दिए हुए, तो आप क्लिक करके जो फंड आपको अच्छा लगेगा वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके आगे का जो प्रोसेस है आपको पता ही होगा कैसे जो है कि ऐड करना है, नहीं पता है तो मैं आपको वही बता देता हूं। इसको मैं बैक करता हूं, बैक करने के बाद अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो आपके पास जो है कि आपके डाउनलोड वाले ऑप्शन में वो चला जाएगा। ठीक है, मेरे यहाँ पे फंड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, बना दिया है फोल्डर करके एक, इस पर डाउनलोड करके मैं ला दिया हूँ। ठीक है, जो आप डाउनलोड करेंगे तो उसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, एक्सपोर्ट करने के बाद इससे अपडेट हो जाएगा वो। ठीक है, अपडेट हो जाएगा जब आपको बैक करना है, आपको जाना है आपको इन्हें पिक्सल लैब में, तो पिक्सल लैब में आने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे फंड में जाना है, फंड में जाने के बाद अब आपको क्या करना है माई फंड, माई फंड ये भी सेंटर में आता है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ये सो साइड वाला है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फोल्डर ओपन हो गया आ जाएगा, तो फिर इसमें फंड कहाँ है, फंड का फोल्डर यहाँ है, फंड पर क्लिक करेंगे, अब जो फंड चाहिए फीस पर क्लिक करेंगे, इसमें से ए वाला ऐड हो जाएगा ओनली। अब आपका करना ऐड
चेंज कर देना, जैसे कि यहाँ पे ए आ गया, तो फिर ऐसे ऐड आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है डिलीट करना है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप अपना फ्रंट ऐड करके और एक्टिव फ्रंट जो है कि अच्छे से आप बना सकते हैं। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें यूट्यूब पे फॉलो ज़रूर कीजिए।